हाय फ्रेंड, हेलो, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है प्रीति डॉट एट दी रेट एम सिंह। तो मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में आप लोग नए बने हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें प्लीज़ फ्रेंड्स। तो अभी बैठी हुई हूँ, सोच रही हूँ कि आज डिनर में क्या बनाऊँ। समझ नहीं आ रहा क्या बनाएं। हस्बैंड से पूछूंगी तो उनका तो बस एक ही जवाब है, कुछ भी बना लो। जब भी मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी कि अच्छा बताइए आज क्या बनाऊं, तो वो बोलेंगे कुछ भी बना लो, तुम्हारा जो मन करे कुछ भी बना लो। अरे यार, मैं पूछ रही हूँ ना, तो बता दो ना कभी भी कि हाँ आज ये बना लो। तो बस उनका तो आदत है कुछ भी बना लो खाने का। तो वही मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, शाम हो गई है तो क्या बनाऊँ। देखती हूँ फ्रिज में क्या क्या सब्जी है, तो फिर बनाती हूँ। सोच देखती हूँ फ्रिज में क्या क्या रखी हूँ। देख रही हूँ क्या है, क्या मूली, कैरेट, मिक्स वेजिटेबल बना लेती हूँ। कैरेट हो गया, शिमला मिर्च, और ये क्या है, मटर, टमाटो, और ये क्या है इसमें, निकाले हैं। अभी कटिंग जा रही हूँ करने के लिए। कटिंग करने के बाद ये सब मिक्स वेजिटेबल मैं बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे कैसे बनाती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं अभी थोड़ा इसको कटिंग कर लेती हूँ। ये सब्जी वगैरह काट रही हूँ मैं, देखिए मैंने ये सब काट लिए हैं। देखिए फूल गोभी इतना मैं ही काटी हूँ, एक आलू ये काट लेती हूँ। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, कुछ बीन्स तोड़ लिए मैंने। और ये इसमें देखिए मटर है, शिमला मिर्च, गाजर, इसको भी मैंने छील लिया और काट लिया है। लहसुन छीलूंगी अभी, और ये एक ऑनियन डालूंगी मैं। तो अभी मैं लहसुन छील लेती हूँ। तो अभी मैं फ्रेंड्स सब्जी बनाने के लिए भी जा रही हूँ डिनर में, मिक्स सब्जी जो मैंने आपको बताया था कि मैं बनाऊंगी। तो ये कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ, देखिए कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब इसमें मैं ऑयल डालती हूँ, क्या हुआ बाबू, आती हूँ रुक जाओ। तो इसमें मैंने तेल भी डाल दिया है, इसमें जीरा डाल रही हूँ फोरन के लिए। क्या हुआ,
पोटी कर दिया। अब मैं खाना बना रही हूँ, अब ये पोटी कर दिया है। अब जाना पड़ेगा पोटी धोने के लिए। अभी गैस को ऑफ करके अभी जाती हूँ, इसका पोटी धोऊंगी, फिर उसके बाद फिर आकर के मैं फिर वेजिटेबल बनाती हूँ। मेरे फ्रेंड्स, तो मेरी वीडियो में आप लोग इन तक बने रहिएगा। मैं आती हूँ, अभी पापा पोटी कर दिया है तो उसका पोटी धोकर मैं अभी आती हूँ। बैड बॉय हो गया अभी। मैं आती हूँ अभी फ्रेंड्स, तो अभी बाय मत करिएगा। पोटी धो के अभी आ गई हूँ, अब बनाऊंगी खाना। क्या हुआ बाबू, जाओ मैं बनाते भी रहती हूँ, सब्जी कट करके डालते भी रहती हूँ प्याज वगैरह। एक प्याज डाल देंगे ऐसे कटिंग करके। तो आलू के साथ में हम तो प्याज थोड़ा ये अदरक और ये गार्लिक को मैं इसमें फूलूंगी। जाओ बाबू, जाओ टीके जाओ, आठ पड़ जाएगा। जाओ इसमें ये मटर में डाल देती हूँ, मटर पैन डाल देती हूँ और ये कॉलीफ्लावर और ये और ये आधा टमाटो इस कट करके डाल रही हूँ मैं। इतना ही बस, गर्मी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि ठंडापन नहीं ज़्यादा थी, मुझे उतना ना ठंडापन पसंद नहीं कर रही है। बाबू नहीं करो कुछ भी, इसमें नमक डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार। मसाले डाल दी जाते हैं, मैंने मसाले नहीं डालूंगी इसमें, बस ये हल्दी पाउडर
इसको मैं फ्लेम को धीमे ही कर दूंगी, फ्लेम धीमे करके इसलिए मेरी मिर्च मैं डालना ही भूल गई थी। फ्लेम को मैं कम करके और इसको ढककर के पकाऊंगी। अब इसको ढक दूंगी और धीमी आंच पे इसको पकने दूंगी। मेरा सब्जी अभी बन रहा है, मिक्स वेजिटेबल मैं अभी बना रही हूँ। तब तक मैं चपाती के लिए आटे गूंथ लेती हूँ, तो अभी आटे लेकर आती हूँ और आटे गूंथती हूँ। चेक कर लेती हूँ कि हुआ कि नहीं, बीच बीच में चलाना पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ सब्जी बनाने का मन नहीं करे तो आप ये मेरा वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल रेसिपी आप ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही इजी बनाना है और आप बहुत ही आसान तरीक़े से बहुत जल्दी बनने वाला है ये, और कम मसालों में बनने वाला सब्जी है ये। तो मेरा तो जब भी कुछ समझ में नहीं आता तो मैं मिक्स वेजिटेबल मिक्स करके बना लेती हूँ, जल्दी बन भी जाता है और टेस्टी भी लगता है और जल्दी भी बन जाता है। अभी वो भी बन रहा है और देखिए अभी मैं इधर किचन में हूँ तो मेरा बाबू पता है क्या कर रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको मेरा बाबू क्या कर रहा है। उसको ना अपनी बदमाशी मतलब नज़र आती है, किचन से वो बर्तन वगैरह उठाकर ले गया। दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या वो लेकर गया है बदमाश मेरा बाबू। तो देखिए क्या कर रहा है बाबू, क्या कर रहे हो बेटा? देखिए किचन से ये सारा ये छोलनी कलछुल सब उठा कर ले आया है और इसी से खेल रहा है। क्या कर रहा है बाबू, क्या खेल रहा है? उठा के ले आया किचन से ना, ये ऐसा ही करता है। जब भी मैं किचन में काम करने लग जाऊंगी, खाना वाना बनाने लगूंगी तो ये किचन में जाएगा, छोलनी कलछुल जो रहेगा वो उठा कर ले आएगा और खेलने लगता है ये। तो मैं अभी छोड़ देंगे, चलो खेल लो। फिर खेल कर ये ना वापस वही जगह पे ले जा कर के रख भी देता है। और जब मैं तो अभी मैं चेक करने वाली हूँ कि मेरी सब्ज़ी बनी है कि नहीं। तो देखिए मेरा सब्ज़ी कितना यम्मी देखने में लग रहा है और ये होने भी वाला है। इसमें करीब 10 से 15 मिनट होते होते ये सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाता है। देखिए इसका आलू भी पक गया है और मैंने इसमें एक बूंद पानी नहीं डाला, बिना पानी डाले हुए ही मैंने ये सब्जी को पकाया है। तो ये मेरी सब्जी बनके रेडी हो गई है। मैं गैस फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ, मेरी ये सब्जी रेडी हो गई। तो देखिए मेरी सब्जी कितनी यम्मी एंड टेस्टी दिख रही है। मैं चपाती नहीं बनाऊंगी, जब मैं हम लोग जब खाना खाएंगे ना उसके पहले चपाती बनाएंगे। तो अभी हस्बैंड आए नहीं हैं, तो आएंगे तो थोड़ा चाय वाय बनाएंगे, चाय वाय पियेंगे, फिर उसके बाद हम रोटी बनाएंगे चपाती बनाएंगे, तो फिर गर्मा गर्म वही हम लोग खाएंगे। और बेटी भी अभी ट्यूशन गई हुई है तो वो भी अभी ट्यूशन से आई नहीं है। कौन आया लगता है, हस्बैंड आ गया। देखिए बाबू कैसे कर रहा है, आता है इसके पापा तो वैसा ही बस करने लगता है। आ जाओ बाबू, अंदर आ जाओ। तो मैं अभी चपाती ये सब बना ली हूँ, सब्जी तो मैंने आपके सामने ही बनाया था और मेरे हस्बैंड आए हैं तो चाय नाश्ता वास्ता सब ये सब हो गया है। और अभी 9 बजने वाले हैं तो अभी हम लोग डिनर करने के लिए जा रहे हैं। तो डिनर करने जा रहे हैं, अब इस ब्लॉग को मैं इसी टाइम अभी एंड करूँगी। अगले ब्लॉग में फिर मैं कल मिलूँगी। तो अब आज के लिए बस इतना ही, अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल। तो ठीक है, बाय बाय बाय।